तो हेलो एंड वेलकम गाइज, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने यूट्यूब के वीडियो के लिए या फिर मान लो यूट्यूब की लोगो बनाना चाहते हो, कैसे बना सकते हो अपने फ़ोटो से। तो यार, अपने चैनल के लिए अगर आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है या फिर आप दूसरे भी चैनल क्रिएट करने वाले हो, ठीक है गाइज, तो इसमें यार देखो, अपना चैनल के लिए बहुत ही मायने रखता है एक लोगो, ठीक है। आपको चैनल को पहचान बनाने के लिए आपका एक लोगो होना बहुत ज़रूरी है। और लोगो यार ऐसे ऐसे लोगो मत बनाया करो, लोगो प्रोफेशनली क्रिएट करो, अच्छे से क्रिएट करो, उससे आपका चैनल का पहचान बनेगा, ठीक है, चैनल को लोग पहचानेंगे। तो यार लोगो बहुत मायने रखता है अपने चैनल के लिए। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको आसान तरीका बताऊँगा और बहुत ही गज़ब का लोगो एडिटिंग करके दिखाऊँगा अपने फ़ोटो से। गाइज ये कार्टून वगैरह पिक्चर नहीं यूज़ करूँगा मैं, सिर्फ अपने फ़ोटो से लोगो एडिट करके आपको दिखाऊँगा, जिससे गाइज आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्रिएट कर सकते हो। और बाद में गाइज वो कैसे अपने उस शेप पे मैं बना के दिखाऊंगा जिस शेप पे आप यूट्यूब के लोगो पर लगा सकते हो, ठीक है, जिससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना और एक एक स्टेप फॉलो करना, क्योंकि यार अगर स्टेप मिस कर दोगे तो आपको दिक्कत हो सकता है एडिटिंग करने में। तो मैं एकदम वॉइस ओवर करके पूरा बताऊंगा आपको, तो वीडियो लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर देना, ताकि आप आगे आने वाली ऐसे वीडियोज़ मिस ना कर सको, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। तो गाइज देखिए, इसके लिए आपके पास एक अपना फ़ोटो होना ज़रूरी है। और फोटो गाइज अगर आप पासपोर्ट साइज़ वैसा भी कर लोगे फोटो क्लिक, तो भी कर सकते हो गाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना अच्छा आप फोटो क्लिक करोगे तो यार लोगो अपना अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइज मेरा एक फ़ोटो है, मैंने इसे पिक्सआर्ट पर ओपन किया है, देख सकते हो। तो पिक्सआर्ट भी आपके पास होना ज़रूरी है। और देख सकते हो गाइज यहाँ पर मेरा फोटो है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत थोड़ा बहुत एडिट किया है पहले, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपको भी होता है एडिटिंग कैसे करना है, आपको थोड़ा बहुत एडिट कर लेना है अपने फ़ोटो को, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो एडिट करने के बाद गाइज यहाँ पर देख सकते हो, इस फोटो को ओपन कर लोगे आप लोग और पिक्सआर्ट पर, आप गाइज इसका PNG क्रिएट करना होगा सबसे पहले आपको। ओके, एक PNG क्रिएट करना होगा अपने फोटो का। तो PNG देखो पिक्सआर्ट पर कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सिंपली यहाँ पर कटआउट पर जाओगे और यहाँ से सिंपली इस तरह से अपना शेप, इस तरह से आप अपना शेप घुमा लोगे, ठीक है, पूरा शेप घुमा लोगे इस तरह से और घुमा के यहाँ पर कट कर दोगे, देख सकते हो। तो मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से PNG क्रिएट कर दो, सिंपली सेव कर दोगे अपना थोड़ा बहुत साइड टिक करके, और सेव करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो अपना PNG क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर लोगे, ठीक है, यहाँ से आप सेव कर लोगे। तो मैंने पहले से क्रिएट करके रख दिया, तो अभी मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइज यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ कि अब पूरा स्टेप हम करेंगे पिक्सल लैब पर। यहाँ पर जो पिक्सल लैब है हमारा, इसमें कहाँ पर चल रहे इधर, तो हम पूरा बाकी का प्रोसेस जो है, बाकी पूरा लोगो एडिटिंग हम यहाँ पर पिक्सल लैब पर करेंगे, ठीक है, पिक्सल लैब पर। तो मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, तो एक एक स्टेप फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी होगा, ये स्टेप फॉलो करना, ठीक है। सबसे पहले हम पिक्सआर्ट ओपन करेंगे, पिक्सल लैब ओपन करेंगे। तो पिक्सल लैब ओपन करने के बाद गाइज यहाँ से आप इस टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद गाइज देखिए, सबसे पहला जो काम आपका ये है कि आपका जो पिक्चर है, बैकग्राउंड में जो पिक्चर रखना चाहते हैं उसे क्रिएट करना। आप देखिए बैकग्राउंड में आप पिक्चर कौन सा रखना चाहते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें जाएंगे और यहाँ से कलर पर जाएंगे, ठीक है। कलर पर जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिल रहे हैं, ग्रेडियंट पर अच्छे अच्छे कलर मिलेंगे, जैसे कि ये कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये कलर भी, ये पहले से दिया हुआ रहता है, आप जाके चेक करना, ठीक है। तो ये कलर, या फिर यहाँ पर एक कलर है जैसे कि ये कलर भी आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पर अभी मैं नहीं यूज़ कर रहा ये, अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आप दूसरे कलर यूज़ करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ठीक है। सिंपली कलर पर जाओगे, यहाँ पर कलर पर, और यहाँ से आपको, मान लो मैं रेड कलर यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, ये बैकग्राउंड में रेड कलर यूज़ करना चाहता हूँ। तो रेड कलर यूज़ करने के लिए देखिए, सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे प्लस पर और फ्रॉम गैलरी पर जाओगे, ठीक है। आप अपने रेड कलर के साइड्स में आपको शेडो देना पड़ेगा, तो शेडो नहीं दोगे तो यार इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे देना मैं आपको बताऊँगा। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, अपना शेडो ऐड कर लोगे। तो इस शेडो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, वहाँ पर जाके इस शेडो को डाउनलोड कर लेना, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड पर जाऊँगा और यहाँ से अपना शेडो ऐड कर लूँगा और यहाँ से मैं थोड़ा इसे क्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर शेडो ऐड कर लिया और इसे इस तरह से आपको बिठा देना है, एकदम हाफ करके बिठा देना है, देख सकते हो। एक साइड में आपका कलर पड़ना चाहिए शेडो और एक साइड पर नहीं, ठीक है, इस साइड पर नहीं पड़ना चाहिए। तो गाइस शेडो पड़ने के बाद आप आपको यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है और अपना जो PNG अपने क्रिएट किया है उसे यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो मैंने PNG क्रिएट कर लिया था अपना फ़ोटो का, जैसे कि ये है हमारा फ़ोटो, तो इसे मैं थोड़ा क्रॉप कर देता हूँ, ऊपर नहीं नीचे क्रॉप कर देता हूँ।
अब देखो मैंने अपना फोटो ऐड कर लिया और इस तरह से आपको इसे एडजस्ट करने हैं, आपको अपने स्क्रीन के एकदम बीच में बिठा देना है, जहाँ पर आप बिठाना चाहते हो। मैं लेफ्ट में बिठाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर देखते तो मेरा राइट साइड पर थोड़ा खाली है, ठीक है। तो इसे मैं एकदम राइट लेफ्ट में बिठा देता हूँ, यहाँ पर मैंने बिठा दिया और इसे मैं थोड़ा नीचे ले आता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारा काफ़ी हद तक सही हो गया है। गाइस बैकग्राउंड में आपको ब्लैक कलर रहना चाहिए, या ब्लैक कलर आपके जो फोटो है फोटो के ऊपर मत लाना है, ठीक है। इसे आपने ऊपर मत लाना, अगर ऊपर लाओगे, अगर आप इसे ऊपर लाओगे तो देख सकते हो आपका फोटो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसे नीचे लाना है आपको रेड कलर के ऊपर और आपका फोटो एकदम सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको सेव एज इमेज पर जाना है, और जाने के बाद गाइस यहाँ पर डिफॉल्ट या अल्ट्रा पर आपको इसे सेव कर देना है, ठीक है। अब सेव कर दिया, अब फिर से हम बैक चले जाते हैं और फिर से हम पिक्सल लैब ओपन करते हैं, ठीक है गाइस। अब देखिए फिर से आपको इसे डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद अब हमारा फाइनल स्टेप है, और फाइनल स्टेप कैसे करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप कुछ मत करना, सिंपली प्लस पर जाओगे और यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर जाओगे, ठीक है। जाने के बाद गाइस आप देखिए यहाँ से अपना लोगो ऐड कर लोगे। लोगो ऐड करने से पहले यहाँ पर आपको क्लिक करने से पहले आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, देख सकते हो ये जो सर्कल है इसमें क्लिक करना है आपको। करने के बाद गाइस यहाँ पर राइट साइड से इसे थोड़ा ऐसे धीरे धीरे ऊपर लाना है, देख सकते हो। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना साइज पर रखना चाहते हो, ठीक है। एकदम छोटा करना चाहते हो या अपने साइज अपना पूरा बॉडी दिखाना चाहते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यहाँ तक रख दे, तो मेरा यहाँ तक सही लग रहा है, एकदम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो मैं यहाँ तक रख देता हूँ और यहाँ से मैं इसे सेव कर देता हूँ, देख सकते हो हमारा सेव हो गया गाइस। अब इसे सेव होने के बाद गाइस यहाँ पर क्लिक करोगे और इसे एडजस्ट करके आप एकदम बीच में ले आओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे बीच में ले आया। अब गाइस देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जाओगे, कलर पर जाओगे और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक कर दोगे। ब्लैक करने से आपका एडिटिंग अच्छे से दिखेगा, ठीक है। अब गाइस देखिए यहाँ पर हमारा फोटो पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जाना है इसमें, और जाने के बाद गाइस यहाँ से आप शेडो दे दोगे इसका, बैकग्राउंड का शेडो आप, और येलो दोगे, ठीक है। येलो अच्छा लगता है अपने बैकग्राउंड पर, तो येलो यहाँ से फुल हाई कर दोगे गाइस। देने के बाद यहाँ से क्लिक कर दोगे और साथ में उसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्ट्रोक भी देना है, ठीक है। स्ट्रोक आपको यहाँ से व्हाइट दे देना है आपको 2% देना है, ठीक है। और यहाँ से सेव कर दोगे। अब आपको यहाँ पर और कुछ नहीं करना, देख सकते हो हमारा लोगो धीरे धीरे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे और टेक्स्ट पर जाओगे। जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एडिट पर जाके यहाँ से अपना चैनल का नाम लिख दोगे, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है गाइस 90 क्रिएटर्स, मैं लिख देता हूँ, देख सकते हो मैंने लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को आपको एडिट करना होगा, और गाइस ध्यान रखें सबसे में आपका टेक्स्ट अपने फ़ोटो से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इस तरह से। तो ये हो गया। अब गाइस देखिए आपको क्या करना है, सिंपली गाइस यहाँ से आपका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ से ये फॉन्ट रख देता हूँ, जैसे कि मीम फॉन्ट। तो मैंने ये फॉन्ट रख दिया गाइस, देख सकते हो ये जो मीम फॉन्ट मैंने इसे रख दिया, ठीक है। इसे भी आपको मिल जाएगा, इसे पर क्लिक करके आप इसे रख देना, सेट कर देना। अब गाइस हमारा ये फॉन्ट हो गया। उसके बाद आपको इसे थोड़ा और बड़ा करना है, और करने के बाद गाइस इसे बड़ा होने के बाद यहाँ पर आप स्टाइल पर जाओगे, और जाने के बाद इस मिडिल वाले में क्लिक करके आप इसे टेढ़ा कर दोगे थोड़ा, ठीक, देख सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर इसे सेव करता हूँ। अब गाइस सॉरी, यहाँ पर क्रिएटर्स के बाद एक स्पेस देना ज़रूरी है, क्योंकि एस का साइड कट कर लेता है अगर स्पेस नहीं दोगे आप। तो उसके बाद गाइस देख सकते हो हमारा लोगो काफ़ी हद तक सही हो गया है। अब गाइस मैं ऊपर वाले को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ ये सही है। अब उसके बाद क्रिएटर्स आप देख सकते हो इस तरह से हो गया है। अब गाइस आपको जाना है कलर पर, और यहाँ से आपको येलो या ग्रीन दे देना है, उसके बाद ये हो जाएगा। फिर आपको इस तरह से रख के अपना टेक्स्ट को एडिट करना है। तो टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्ट्रोक पर जाओगे सिंपली, और यहाँ से इसे अनेबल कर दोगे ब्लैक, और यहाँ से शेडो आप दे दोगे बैकग्राउंड पर, देख सकते हो। ओपासिटी फुल हाई दे देना है, और ब्लर आपको 10% देना है, देख सकते हो। और यहाँ से आपको ब्लैक देना है, देख सकते हो आपको, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर शेडो स्ट्रोक दोनों देने के बाद गाइस अब आपको क्या करना है, लोगो कैसे बनाना है वो देखिए। ये हमारा एडिटिंग हो गया कंप्लीट। अब गाइस यहाँ पर आपको सिंपली इस पे जाना है, और जाने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रांसपेरेंट, ये आपका PNG क्रिएट करके देगा ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सिंपली इस पे क्लिक करोगे और गाइस बूम, देख सकते हो हमारा लोगो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। इस तरह से आपको लोगो क्रिएट बनाना है। अब गाइस एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट PNG जैसे क्रिएट किया है, ठीक है। अगर आप इसे सेव कर दोगे यहाँ से जाके सेव एज इमेज पर जाके, यहाँ पर PNG देख सकते हो, ये PNG है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अल्ट्रा पर आपको इसे सेव गैलरी कर देना है, ठीक है। तो ये आपका लोगो क्रिएट हो जाएगा।
तो ये हमारा लोगो क्रिएट हो गया गाइज, देख सकते हो। ठीक है, अब गाइज ये तो हमारा लोगो क्रिएट हो गया, पर अगर आप अपने यूट्यूब के चैनल का लोगो अगर बनाना चाहते हो तो ऐसे पीएनजी तो नहीं क्रिएट कर सकते। अब आपको उसमें क्या करना है, देखिए सिंपली यहाँ पर आप कलर पर जाओगे और जाने के बाद गाइज यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कोई भी कलर देखे, मान लो मैम आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्लैक दो। ठीक है, ब्लैक देने से आपका क्वालिटी अच्छा लगेगा, आपका फ़ोटो जो लोगो क्रिएट करोगे वो अच्छा लगेगा। उसके बाद ब्लैक देने के बाद यहाँ पर जो साइज़ है आप देख सकते हो, ये जो साइज़ है स्क्वायर जैसा, ये आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपके यूट्यूब के लोगो पर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको साइज़ इस तरह से देना है और ब्लैक कलर देना है। देने के बाद यहाँ पर जाओगे और सेव इस इमेज करके अपना यूट्यूब के लोगो के लिए भी आप इसे अल्ट्रा पर रख के सेव कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका दोनों काम हो जाएगा एक ही लोगो एडिटिंग से। आपका पीएनजी भी बन जाएगा जो आप वीडियो में यूज़ कर सकते हो और आप यूट्यूब के लिए भी लोगो क्रिएट कर लोगे। ठीक है गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमारा यूट्यूब का लोगो भी हमने क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से आपको एडिटिंग करना है गाइस। यह जो मैंने पीएनजी बनाया है अपना वीडियो के लिए, वो वीडियो पर कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सिंपली मान लो ये मेरा एक वीडियो है, तो ये मैं अपने वीडियो में यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं लेयर पर जाऊँगा और यहाँ पर मीडिया से अपना पीएनजी ले लेता हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो ये हमारा पीएनजी है। तो ये अगर आप अपने वीडियो के नीचे लगाना चाहते हो तो इस तरह से लगा सकते हो, ये आपका एक चैनल का पहचान बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोगो बनाने में अगर आप बनाओगे तो। ठीक है, और या फिर अगर आप इस लेफ्ट साइड में भी देना चाहते हो तो यहाँ पर भी दे सकते हो, कहीं पर भी आप दे सकते हो और आपका लोगो बहुत ही गजब लगेगा। देख सकते हो हमारा लोगो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह से आपको गाइज लोगो क्रिएट करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और पसंद आए तो यार लाइक करना, और चैनल को अगर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना, और यार कमेंट पर ज़रूर बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो यार भाई को जाके फॉलो कर लो, भाई ऐसे आपको ट्यूटोरियल देता रहेगा। तो गाइज आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर ट्यूटोरियल पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। तो मिलता हूँ गाइज आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।